अपनी माँ मायनावंती को कई रोज से देख रहे थे। राजा गोपीचंद बड़ी परेशान थी कि मैं अपने बेटे को कैसे योग दिलाऊं। इसकी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्त है। साथियों, बार बार जुबा पे बात आती है फिर रुक जाती है, लेकिन कहते हैं जब किसी इंसान के दिल में कोई बात होती है, अपने पिता से, माता से, मित्र से, बंधु से, भाई से, बहन से कह देता है तो मन का दिल का वजन हल्का हो जाता है। साथियों, वो गोपीचंद एक रोज अपनी माँ मैनावंती से पूछते कि माँ आखिर कौन सा दुख दर्द तुम्हारे दिल के अंदर है, किस बात से पीड़ा में है आप, हमें बताइए क्या बात है, क्योंकि बिना बताए हमें मालूम कैसे होगी। साथियों, कैसे सवाल जब होते हैं, आइए सुनते इस बात के माध्यम से। हम कई रोज से देख रहे हैं कि आप बड़ी परेशान है, आपके चेहरे पे बड़ी उदासी छाई है, क्या बात है, किस बात को लेकर के आप परेशान हैं? हम आपके पुत्र हैं, आप कह सकती हैं किस बात से आप पीड़ा में हैं? बेटा गोपीचंद, हाँ, बहुत दिनों से अपने मन में एक बात सोचती हूँ और डरती हूँ कि कहीं मेरा बेटा मेरी बात मानने से इनकार ना कर दे, इसलिए आपके सामने वो बात नहीं कह पा रही हूँ। ये बात नहीं है, हम आपके पुत्र हैं और कहते हैं जिस इंसान की माँ दुखी होती है साथियों उस वक्त जीवन में नहीं होता, यूं तो जीते हैं सभी लोग, लेकिन जिस इंसान की माँ दुखी होती है, पीड़ा में होती है, उसका जीना व्यर्थ होता है। आप किस बात के लिए परेशान हैं, हमें बताइए क्या बात है माँ? आप सुनना चाहते हो? हम सुनना चाहते हैं। तो अपनी बात कहिए और मेरी बात सुनिए। सुनिए हमारी बात, कहिए अपनी बात। हमें कैसे मालूम होगी, आपको बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सारी बात बताऊंगी तुझे। हो खोल के बता दे माता, तू या क्या मनीर तेरे, तू या क्या मनीर, काल जा फटे से काम नहीं ये मेरे हाथ।
इंसान के हाथ में केवल कर्म करना होता है, फल तो भगवान देता है। मरना जीना यश अपयश लाभ हानि ये तो सुविधाता के हाथ बात होती है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। आप किस बात के लिए पीड़ा में हैं हमें बताइए, किस बात से आप परेशानी में हैं? लेकिन हाँ, अगर बेटा गोपीचंद तूने मेरी बात सुन ली हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। ये बात नहीं है, हमारी बात और से सुनिए। कही अपनी बात। ए जीवन मरने लाभ हानि यस, जीवन मरने लाभ हानि यस, अपयत खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। अरे के दर्शन करना चाहिए माँ, नहीं के दर्शन करना चाहिए आज खास भरतरी भ्राता के। धर छाती पे हाथ ला ले आते सके तेरी माता के। धर छाती पे हाथ ला ले आते सके तेरी माता के। ओ आज तू सुना दे माता अपने दिल की पीर सारी। जिस बात के लिए आप बहुत दिन से परेशान हैं, आप सुनना चाहते हो हाँ। अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो वो बात मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा हाँ। अरे बेखट के से कहते ही माता, बेखट के से कहते हैं माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सुन। तू आफत में पड़ जाएगा तने खोल बताना चाहूं सुन। ये ते आदेश तेरे चरणों में। साथियों जिस बात के लिए वो मैंने मंत्री बहुत दिन से परेशान थी उस बात को सरिता का शब्द आपके समस्त रखेगी। वो बात आपको अच्छी लगे, अच्छी के साथ में सच्ची लगे तो तालियां का आशीर्वाद जरूर दे देना। सुन करके बात को। अरे दे आते तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सूं। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सूं। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सूं। ओ बहन ये बेटा तेरी माता आवे है आखिर एक दिन आवे है आखिर। योग्य बनाना चाहते हैं हाँ। लेकिन हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी कृष्ट है, हम साधु कैसे बन सकते हैं? लेकिन बेटा गोपीचंद हाँ। उनकी चिंता
तू मत कर, वो सब मुझ पे छोड़ दे, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ तू वो काम कर। लेकिन बताते हैं बड़े बड़े गुणवान, बड़े बड़े जो ज्ञानी आदमी होते हैं वो बताते हैं कि कृष्ण जीवन भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ा बड़ा सत का रास्ता है। अगर जो इंसान कृष्ण जीवन को सच्चे दिल से निभाता है तो सबसे बड़ा तप भी होता है। ये काम तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। मुझे तो पहले ये पता था कि लेकिन जो मैंने अपने अपने दिल में ये बात ठान ली है कि मुझे अपने बेटे का शरीर अमर कराना है। अच्छा, तो कराना है, मेरा शरीर अमर कराना है। हाँ। लेकिन लगता है ये तो असंभव सी बात है, क्योंकि संसार में जो आया है एक रोज अवश्य जाता है। लेकिन ये असंभव नहीं है। अच्छा, मैं इसे संभव करके रहूंगी। अच्छा, जो आता वो चाहता ही माता, जो आता वो चाहता ही माता, मतना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनाइए तू। तेरी बात ये संभव सी लागे मन, नहीं बात ये संभव सी लागे मन, भेद खोल समझाइए तू। मिल जागा हरे राम बैसला, कुसक बड़ोली जाइए तू। मिल जाता हरे राम बैसला, कुसक बड़ोली जाइए तू। ओ कुंडेश्वर के कालेरी माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर कवी।